अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। ये मेरा जो सफ़र सीखने सिखाने का शुरू हुआ 2014 में, मैंने कहा सर मैं आपको फर्स्ट टाइम सुना। बहुत सारी वीडियोस की डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद ये सेल्फ हेल्प की तरफ मेरा जो है वो रुझान बढ़ गया। फिर मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी, बहुत सारी वीडियोस भी देखी। उसके बाद मैंने, तब मैं इंटर क्लास के अंदर था, फिर बैचलर की, फिर मास्टर मैंने किया। ये करते करते ये मैंने फिर टीचिंग स्टार्ट कर ली। तकरीबन 2.5 से 3 साल तक मैंने टीचिंग की। उसके बाद मेरा जो है वो मैंने फील्ड अपनी चेंज कर ली। मैं एक बैंक के अंदर जो है एक बैंक मुलाजिम बन गया। इसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि मैंने कुछ मोटिवेशनल जो है वो अपने लेक्चर बनाए, जिसमें सेल्फ डिस्कवरी था, पॉजिटिव थिंकिंग था, और बहुत सारे जो बच्चों के साथ लेक्चर्स हुए। ये 2 लेक्चर मेरे टीचर्स के साथ भी अंदरून सेन के अंदर हो चुके हैं। तो तब मैंने जैसे पहले जो है बताया कि मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट की, वीडियोस देखना स्टार्ट की, और आज भी मैं बहुत किताबें भी पढ़ता हूँ और वीडियोस भी मैं जो है वो सुनता हूँ। मगर ये सारी तमीज बांधने का मकसद यह है कि जो पहले किताबें मैं पढ़ता था और वही किताबें मैं आज पढ़ता हूँ, तो वो मुझे किताबें अब ज़्यादा समझ आने लगी। उसकी वजह यह है कि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ, 3 से 4 साल तकरीबन मैंने प्रैक्टिकल लाइफ अपनी जो है वो गुजारी है। अब क्या है कि मेरा अपना तजर्बा हो गया। अब वो किताबें लिखने वालों का, वो वीडियोस के अंदर बोलने वालों का जो तजर्बा, और अब प्लस मेरा तजर्बा, जब ये साथ मिलता है तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा समझ आने लगती हैं। ज़्यादा जो है वो दुनिया की हकीकत का पता चलना जो है वो शुरू हो जाता है। आपके साथ ये शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप भी जो है वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, या मोटिवेशनल, खास करके मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो किताबें लाजमी पढ़ें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लाजमी सुने, मगर अपने तजर्बात भी उसके अंदर शामिल करें। आप कोशिश करें कि मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है काम करने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा तजर्बा रहता है। अगर नहीं तो आप मुख्तलिफ फील्ड्स के लोगों का इंटरव्यूज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सुनें भी, और अगर मौका मिले तो आप उनके इंटरव्यूज करें। मतलब कि आप अगर बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं, आप किसी हॉस्पिटल गए हुए हैं, आप किसी दुकान पे बैठे हुए हैं, आप कहीं पर भी आपको मौका मिल जाता है और किसी दूसरी फील्ड का बंदा मिल जाता है, उसे सवाल जवाब करें, उसे उसकी फील्ड के बारे में पूछें, तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। ये तजर्बा मेरा है, मुझे भी इससे बहुत जो है वो फ़ायदा मिला है और अच्छा तजर्बा मेरा रहा है। तो आप भी ये कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। गुलाम मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।